अस्सलामुअलैकुम, मैं शेफ़ ताहिर कलीम। शेफ़ सादती किचन में आज हम लेके आए प्याज के पकौड़े, करंची और मज़ेदार प्याज के पकौड़े। अभी इसको तैयार करते हैं, हम आपको दिखाते हैं किस तरह तैयार होंगे ये। अभी हम प्याज इसमें डाल के मसाला इसका तरीक़ेकार बताएंगे आपको किस तरह मिलाना है। अब हम एक टेबल स्पून नमक इसमें ऐड करेंगे, अच्छी तरह इसको प्याज को मिक्स करेंगे नमक को। अब इसमें हम हाफ टेबल स्पून जीरा इस्तेमाल कर डालेंगे, हल्दी, कुटी हुई मिर्ची इसमें ऐड होगी, ये लाल मिर्ची हम इसमें ऐड किया। अब कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता ये कि खुशबू अच्छी आती है, मज़ेदार टेस्ट हो जाता है खुशबू के साथ। 8 से 10 पत्ते कड़ी पत्ते के हमने ये देखें आप ऐड किए इसके अंदर। अब धनिया बारीक चॉप करेंगे, धनिया को ये हमने धनिया इसमें ऐड किया। हरी मिर्चें इसमें जो है 2 से 3 अदद हरी मिर्चें डलेंगी, सूखा सूखा इसको मिक्स करेंगे। इसको ऐसे ही आप छोड़ दें 15 से 20 मिनट। अब हम बेसन डालेंगे इसके अंदर, हमने बेसन थोड़ा डाला इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स करने के लिए। इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा, मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए बेसन के साथ। सूखा बेसन ऊपर लगाएंगे, रखें अब 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे। प्याज का बैटर हमने तैयार करके रखा था, पानी इसमें ऐड करेंगे। अब इसे मिक्स करेंगे हम अच्छी तरीके से। जितना आप मिक्स करें इतना में पानी डालें, बाकी हिस्से को आप छोड़ दें क्योंकि रखे भी जा सकते हैं, ख़राब नहीं होते। अब हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, अब हम इसको फ्राई करेंगे। छोटे छोटे पीस हम इसमें डालेंगे प्याज के, इसको हल्के तौर पर तलेंगे, अंदर तक पक जाए ये अच्छी तरीके से। जी अब ये तैयार हो गए हैं, हम डाल रहे हैं करंच का सा है बदरीन। पकौड़े हमारे तैयार हैं, बनाएं, खाएं, लाइक करें और शेयर करें।